हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं जाता हूँ नया, हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाकी रह गया था। तो जैसे तुम लोग वर्कआउट कर रहे हो, लीडर्स और ग्रुप मेंबर्स सब मिलकर जैसे वीडियो बना रहे हो, तुम तो तुम्हारा काम करते रहना। मेरा काम है आगे का सिलेबस आगे बढ़ाना, तो अभी मैं उस पर काम करूँगा। अभी मैं हर रोज़ दिन के 3-4 वीडियो ऐसे डालते रहूँगा कि जिससे अपना सिलेबस भी थोड़ा फास्ट चले। तो तुमको मेरे भी वीडियोस देखने हैं और साथ में तुम्हारे वीडियोस बनाने के लिए तो तुमको कम ही टाइम लगेगा, क्योंकि छोटा सा पार्ट है और तुमको 2 मिनट या 3 मिनट में एक ही वीडियो शेयर करना है, ठीक है। तो वो तुम्हारा एंटरटेनिंग जैसा, थोड़ा तुमको मज़ा आए, फन आए और तुमको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, इसलिए मैंने ये नया मॉडल शुरू किया है। चलो तो अब हम आगे अकाउंट्स की ओर बढ़ते हैं। एनपीओ ये चैप्टर हमारा चल रहा था, हमने इसका थियोरी पार्ट कर लिया था, अभी हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे जाते। मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक वीडियो बनाया था, वो एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन में आता है। और ये जो मैं अभी बना रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाऊंगा, ये हम सॉल्यूशन में बनाते हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन में एनपीओ में क्या आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और हम सॉल्यूशन में क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो अब मैं तुमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझाता हूँ, बहुत आसान है। अब एक बाजू एक्सपेंडिचर है, एक बाजू इनकम है, तो लेफ्ट हैंड साइड तुमको दिख रहा है एक्सपेंडिचर और राइट हैंड साइड तुमको क्या दिख रहा है, इनकम। तो बस तुमको यही फॉर्मेट में से कोई चीज़, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे होकर आएगी, और अपने को जो इनकम में जाता है वो इनकम में डालना है, जो एक्सपेंडिचर में जाता है वो एक्सपेंडिचर में डालना है। तो सबसे पहले मैं एक्सपेंडिचर साइड जाता हूँ, फिर मैं इनकम साइड जाऊँगा। अब सैलरी सबको पता है क्या है, एक्सपेंस है, तो सैलरी कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर साइड आएगा। और याद रखना, डेबिट साइड हमेशा 2 होता है, क्रेडिट साइड हमेशा 2 होता है। तो डेबिट में हर जगह नाम के आगे क्या आएगा, 2 आएगा, और क्रेडिट साइड नाम के आगे क्या आएगा, 2 आएगा। अब सैलरी मैंने बोला एक्सपेंस है। अब इस चैप्टर में लेवल के होते हैं, एक तो लास्ट ईयर होता है, एक तो नेक्स्ट ईयर होता है, और एक तो करंट ईयर होता है। तो याद रखना, सैलरी जो लास्ट ईयर का है वो लेस होता है, जो नेक्स्ट ईयर का है वो भी लेस होता है, जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है वो ऐड होता है, और जो प्रीपेड इन लास्ट ईयर है वो ऐड होता है। तो सैलरी पे तुमको 4 एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं, तो तुमको वो कैसे याद रखना है। तो जो लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर है वो हमेशा क्या होंगे, लेस होंगे। जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है वो ऐड होगा, और जो प्रीपेड इन लास्ट ईयर है वो भी क्या होगा, ऐड होगा। तो याद रखना है, लास्ट ईयर का लेस होएगा, नेक्स्ट ईयर का भी लेस होएगा, करंट ईयर का ऐड होएगा, और प्रीपेड इन लास्ट ईयर मतलब ये लास्ट ईयर का है पर अभी मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन, ये सब भी एक्सपेंडिचर में आएगा। अब अगर इसका ओपनिंग स्टॉक दिया है तो ओपनिंग स्टॉक पहले लिखो, दिया है तो उसमें उसके परचेज ऐड करो और उसका क्लोजिंग